सिद्धू पाजी, आप इतने छोटे कैसे हो गए? ओ गुरु, बाजार में चलने वाला सिक्का कभी खोटा नहीं होता। कलाकार कोई भी हो, कभी भी छोटा नहीं होता। वाह, क्या बात है। इसे 250 ग्राम के सिद्धू जी मैंने पहली बार देखे हैं। पर सिद्धू भाजी, आप तो एक्स्ट्रा लार्ज थे, आप एक्स्ट्रा स्मॉल कैसे हो गए? मतलब क्या करूं यार, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ गई तो क्या हो गया फिर? अबे सुई अटक गई क्या? अबे फिर अटक गई रिकॉर्ड पे। बताओ क्या मम्मी, बताओ मम्मी ने सिखाया आपको ये सब? 6.5 फुट का आदमी मेंटेन नहीं होता, इसलिए मैंने खुद को छोटा कर लिया। अरे वाह, क्या बात है। पाजी, ये आप यहाँ पे तो ये कौन है भाई साहब? अरे आजकल मुझे कई कुर्सियों पे बैठना पड़ता है, इसलिए मैंने छोटे छोटे पोर्टेबल सिद्धू रख रखे हैं। आपको पता है पाजी ये कौन है? ये सबसे बड़े कलाकार का कंटेस्टेंट है पाजी, और ये बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है। इसका नाम है समर्थ। समर्थ, आ जा पुत्र। उसने कहा यार ये कहीं सिद्धू खड़काई ना दे, डर गया है थोड़ा सा। ले मैं तेरे पाड़ी कर देता हूँ, पर दाढ़ी ना आ जाए तेरी मेरे मुंह में। अच्छा आप बताओ, सिद्धू सर को बताओ, आपने दाढ़ी कैसे बनाई है? कैसे बनाई है? पेंट से वाटर कलर। ऐ तेरी। समर्थ के लिए जोरदार तालियां, बहुत क्यूट बच्चा है ये। समर्थ इधर आओ, तुम्हारी लेसेस खुले, इधर आओ। ये किसने तैयार किया आपको? मेरी मम्मी ने। मम्मी ने तैयार किया? पापा को भी करती है मम्मी तैयार के? नहीं। अब वैसे क्यों स्कूल जाते हो? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? केजी में पढ़ता हूँ, फर्स्ट में गया हूँ। समर्थ, आपको एक्टिंग करने का शौक है? यस। क्या बनना है आपको बड़े होके? बड़े होके मैं नेवी ऑफिसर बनूंगा। वेरी गुड। तो आपको नेवी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि मेरे को शिप में पहली बार रहने जाना अच्छा लगता है। शिप में बैठना अच्छा लगता है? यस। आप कभी बैठे हो शिप में पहले? पहले नहीं बैठा, पर थोड़ी दिन बाद बैठूंगा तो पता ही चल जाएगा शिप होती कैसी है। नहीं पर एक बात बताओ समर, अगर आप शिप में कभी बैठे नहीं, आपको कैसे पता मजा आता कि नहीं आता? जब मैं जाऊंगा तभी तो पता चलेगा मेरे को। तूने क्या बोला यार? ये बात तो है। क्या यार, तू ही छोड़ यार। तो आप शिप चलाओगे कि शिप में बैठ के ऐसे झूले लेने आपने? मतलब नेवी ऑफिसर शिप को बचाते हैं कि ये पानी में ना जाए। तो जहाज तो पानी में तैरता बेटा? चार सौ पानी में ही तैरते, पर नीचे भी हो जाते हैं ना जब पानी चला जाता है, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा पानी रहे। ये समुंदर भी खुद बना लेता है। ये छोटा सिद्धू नहीं है, बड़ा सिद्धू है गुरु। ठोको ताली। बेटे आपने सिद्धू जी सर को पहली बार कहाँ देखा था? मैंने शो पे ही देखा था, जब टीवी में सोनी में देख रहा था। ये सोनी टीवी ने आपको सिखा के भेजा है सोनी का बार बार नाम लेना है? नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा कलाकार मैं आया हूँ ना, इसलिए सोनी का नाम लेने की आदत पड़ गई है। ठोको 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 ताली, ठोको ताली। समर्थ आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। किस बात की पूछो तो सही पहले? क्योंकि मैं सबसे बड़ा कलाकार में गया हूँ। वेरी गुड, सब पता है। अब मैं आपके सामने जिनको इनवाइट करने जा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं। अच्छा, मेरी फेवरेट हैं। प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड रवीना टंडन। Oh.
हाउ आर यू रवीना जी? वेरी गुड, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक हाथ से बच्चा उठा लेती, क्या बात है, ये तंदुरुस्त हमारी हीरोइन। अब आदत पड़ गई है। बहुत अच्छा, आप पहले से मिल चुकी हैं सारे बच्चों को? समर्थ को तो मैं जानती हूँ, ये हमारा नन्ना सा सबसे बड़ा कलाकार है। और जो इसने पहला एक्ट किया था शो पे, मैं आपको बताऊं, आपका किया था एक्ट सिद्धू जी। रियली? हाँ, और उसमें आपकी बहुत धुलाई हुई। बहुत धुलाई हुई। इनकी एक पत्नी बनी थी, इनकी छोटी सी फ्रेंड, वो भी इतनी सी छोटी सी नन्नी सी है, उसने पकड़ के जो धुलाई की, समर्थ की जो धुलाई की ना। नहीं पर इसमें झूठ क्या है, वहां पे भी मेरी धुलाई ही होती है ना। पाजी, रवीना जो है हमारे सोनी परिवार का हिस्सा हो गई है, मिलते जुलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। मैं एक्चुअली ऐसे आते आते मैं तुमको क्रॉस करके मैं वहां जा रही थी, फिर मैंने अपने आप को रोक लिया। क्यों? क्योंकि इनको तो मिल गई है वहां कुर्सी, मेरे लिए ये है अच्छी कुर्सी। मैंने सोचा यहाँ बैठ जाऊं, वो तो राज चला रहे, मैं यहाँ कपिल पे राज चलाऊं। वाह रवीना जी, आपको एक बात नहीं किसी ने बताई, पॉलिटिशियन कुछ भी छोड़ देता है, कुर्सी नहीं छोड़ता। रवीना, एक कलाकार को तो हमने मिल लिया, ये बड़ा ही कमाल का, बड़ा क्यूट है, और कौन कौन से खतरनाक कलाकार? मैं आपको बताऊं, इतने खतरनाक कलाकार हैं कि कपिल जी आप अपना शो यहाँ पे संभाल लो। अच्छा, ये तो खतरनाक है ही, लेकिन इनसे भी छोटे छोटे, इनसे भी बड़े बड़े हैं जो इक्वली खतरनाक हैं। ओहो, तो आप बहुत डेंजर में है, समझ लो। इनसे भी छोटे कैसे हो सकते हैं, तो सबसे छोटा दुनिया का प्राणी यही लगा मुझे। इतना छोटा सा। इनसे छोटे तो थोड़े से बच्चे होते हैं। तो आप बच्चे नहीं हो? मैंने ये नहीं कहा कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं तो बच्चा हुई ना, पर छोटे बच्चे जो इतने इतने से होते हैं वो मुझसे छोटे होते हैं। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में नहीं आई? सॉरी बेटा, मैं भटक गया था। तो ये जो सबसे बड़ा कलाकार, ये जो शो आ रहा है सोनी पे, नया शो, ये बच्चों का शो है, टैलेंट हंट शो है, रवीना आपके साथ कौन कौन है और इस शो को जो बच्चों का टैलेंट? मेरे साथ है एक वारसी और एक पारसी। अब पूछे कौन? मैं समझ गया। मिस्टर अर्शद वारसी और मिस्टर बमन ईरानी, क्या बात है, बहुत बहुत। तो आप अभी तक तो काफी शहरों में जा चुके होंगे ना टैलेंट हंट करने? देखिए, जो हम लोग के ऑडिशंस थे वो हो गए हैं, और मैं कहूँगी कि ये जो सबसे बड़ा कलाकार शो है, ये एक टैलेंट शो है और एक ऑलराउंडर शो है। okay. क्योंकि हम सिर्फ एक अच्छा एक्टर ही नहीं ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा परफॉर्मर, एक अच्छा आर्टिस्ट, ऑलराउंड एंटरटेनर जिसे कहते हैं, हम वो ढूंढ रहे हैं। आपको वाकई गर्व होगा कि हमारे देश में इतना सारा टैलेंट है, एंड ये एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मंच है जहाँ उनको अपनी कला दिखाने का एक मौका मिल रहा है, एंड इस तरीके से बढ़िया आर्टिस्ट हैं हमारे पास। है ही बड़े क्यूट मशरूम जैसे बच्चे हैं, ऐसा इसको तो पॉकेट में डाल के घूम सकते हैं, लिटरली इसको यहाँ पे तो कहते हैं बच्चे, मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, टका टक। इस शो में अभी आप पॉपुलर हो जाओगे, है ना, तो फिर तो आप स्टार बन जाओगे, तो फिर क्या पैसे कमा के क्या करोगे, किसको दोगे? मैं तो अपने नानों को ही दूंगा, क्योंकि उनके पास है ना थोड़े, वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि उनके पैसे कम हो, इसलिए मैं उनको पैसे दूंगा। नानू को? नानू तो पापा मम्मी नहीं खर्च करते हैं पैसे? मेरे पापा मम्मी तो खर्च करते ही नहीं है, मेरे पापा मम्मी खर्च करते हैं, पर मेरे नानू मना कर देते हैं, तू नहीं आएगी मैं दूंगा। नानू के पास ज्यादा पैसे होंगे ना बेटा? नानू के पास ज्यादा पैसे होंगे तो और ज्यादा हो जाए, तो 15,000 हो जाएंगे। यही है क्यूटनेस जो आपको इस शो में नजर आने वाली है, और भी क्यूट क्यूट बच्चों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी एक और फनकार मैं चाहूंगा रवीना बताएं। तो अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारा अगला कलाकार, अर्ज किया है सिद्धू जी। वाह वाह, फॉर अ चेंज आप वाह वाह कर लीजिए। जरूर जरूर जरूर, खड़काइए। सिद्धू जी के बिना बनती नहीं सरकार। वाह, सिद्धू जी के बिना बनती नहीं सरकार। अरे हाजिर हो अगला कलाकार। How are you? Fine.
आप क्या बने हुए हैं ये? मैं राजेश रोड़ा बना हूँ। बेटे अच्छा आपका असली नाम क्या है? उद्भव। उद्भव उद्भव ये किसका आइडिया था मूंछ लगा के टोपी पहन के ऐसे छोटा सा बाथरूम? आइडिया मेरा था, पहनाया दूसरों ने। तो मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? तो आप कहाँ से आए हैं उद्भव? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। कैसे आए हैं आप? बाय ट्रेन। वो तो मैं भी ट्रेन से आया, मैं कौन छूट के आया हूँ? आप भी ट्रेन से आए हैं? Yes. तो ट्रेन कैसे आई थी? चुक 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 ट्रेन चली। अच्छा आ गया गुरु। अच्छा रवीना जी, परसों एक आदमी मुझे ना पार्क में अपना कुत्ता घुमाते हुए दिखा। हाँ। मैं भी वहां पर टहल रहा था तो मेरे पास आके कहता, भाई साहब भागना मत नहीं तो कुत्ता आपको पकड़ लेगा। फिर? पर कुत्ता था बड़ा बदतमीज, उसके लिए था आ तू। उसने गेम शुरू हुए बिना ही मुझे ऐसी जगह से पकड़ा कि उसके बाद से आज तक मैंने सोचा छत का पंगा नहीं देगा। अच्छा कपिल जी। हाँ जी। मेरे को कल एक भिखारी मिला। अच्छा। कहता भगवान के नाम पे कुछ दे। फिर? आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आशीर्वाद दे दिया। फिर कहता ये नहीं कटोरे में कुछ दे। आप वापस यकीन नहीं करोगे, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। बाप रे। फिर कहता ये नहीं कटोरे में कुछ दे। मैंने कहा आज तक मैंने अपने जेब में पैसे नहीं डाले, तेरे कटोरे में क्यों डालूं? तेरे कटोरे के लिए आ तू। हाँ कि भीख मांगनी भी नहीं चाहिए कि नहीं? क्यों मांगते हैं भीख? काम करें कि नहीं? अकल नहीं होती। अच्छा मैं आप सबको छिपकली होगी एक अनोखी बार बताता हूँ। हाँ। उनको डकार नहीं आता। आपको कैसे पता डकार नहीं आता? सुना नहीं ना आजकल। अच्छा मैं वैसे आप सबको बताऊं, आप तीनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा इतने ज्यादा? रवीना जी आप तो बहुत ज्यादा। अच्छा अगर आप मुझे 10 साल पहले मिली होती तो आपका नाम रवीना टंडन की जगह रवीना अरोड़ा होता। कान खींचूंगी अभी तेरे जोर से। ये तो पहले भी उन्होंने सुन चुका है। क्या क्या बोला? ठोक दे फिर वापस। समझ क्या कहा? सुना नहीं मैंने आपसे। मैंने बोला था कि इन्होंने ये वाला डायलॉग पहले भी सुन लिया है क्योंकि इसके स्क्रिप्ट में पहले वाली स्क्रिप्ट में इसका पहले वाला प्रोमो आया था। अच्छा समर्थ आपके पापा मिलेंगे नहीं रवीना मैडम से? मेरे पापा तो कभी नहीं मिले किसी हीरो हीरोइन से। नहीं उन्होंने कहा नहीं मुझे भी लेके जाओ रवीना टंडन से मिलना। मेरी मम्मी भी हीरोइन लगती है। आप क्या समझते हैं कपिल जी? तो ये बात आपको कौन बोलता है? पापा बोलते हैं कि तेरी मम्मी हीरोइन है? नहीं मेरे खुद के मन में ही याद होती है। मैडम इनकी मम्मी है, इनको भी माइक दे दीजिए। ये कौन सा बोलने वाला पापड़ खा के पैदा किया आपने? ये बच्चा जो भी नहीं होता। तो आपके एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। ये ब्रेकफास्ट में क्या खाता है? मैं खाता हूँ। मेरे को पता क्या खाता है? खाता हूँ जब कपड़े ज्यादा गंदे हो जाते हैं तो मैं नहाता हूँ। यार तो ये आप घर में कोई बोलता है इतना कि वैसे ही? यही बोलता रहता है, घर में किसी को बोलने का मौका ही नहीं देता। ठोको ताली। ओ बस। मैं वैसे बताऊं मेरे पापा आ गया। कहाँ है? वो रे। आपका बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब बड़ा ये अच्छी बात है ऐसे प्लेटफॉर्म जो है हमारे देश में है, अभी इतने अच्छे अच्छे रियलिटी शोज आते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होती वैसे? नहीं सर ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
आप अकेले हैं, इनकी मम्मी भी नहीं आई साथ में? नहीं, एक्चुअली शी इज अ टीचर, तो अभी छुट्टियों की दिक्कत होती है थोड़ी सी उनको। ओके ओके ओके। अच्छा ये बड़ा अच्छा है, उनके पापा नहीं आए, इनकी मम्मी नहीं आई, ये क्या है? ये मतलब आप वैसे ही नहीं, वैसे कोइंसिडेंस है कि कुछ प्लानिंग है? ओहो, जोर जोर से बोल रही है, कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस। मैं तो सोनी चैनल की तारीफ करूंगा। अच्छा बेटे, सोनी चैनल की तारीफ करो, कुछ करो, बोलो, करो, क्या बोलोगे आप? जिंदाबाद, जिंदाबाद, सोनी टीवी, जिंदाबाद। अभी सिद्धू जी की तारीफ में कुछ बोलो आप, जो आपका दिल करे। चक दे फट्टे नप दे गिली, चक दे हो, चक दे हो, चक दे फट्टे नप दे गिली, मेरे दूध का ग्लास पी गई मेरे पड़ोसी की बिली। आज नया शेर दे दिया आपको। ये दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार।